हेलो, मैं डॉक्टर निशी, सीनियर IVF स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम IVF। कई बार पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं उनको जब IVF समझाती हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं, क्या मैडम हमारा IUI नहीं हो सकता? तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कब हमें IUI कराना चाहिए और कब हमें IUI से ऊपर IVF में जाना चाहिए। इन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि IUI और IVF में क्या डिफरेंस है। IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, उसमें IUI में हम क्या करते हैं कि जो स्पर्म होते हैं उनको वॉश करके सीधा जो वाइफ है उसके यूट्रस में डाल देते हैं। और IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें हम एग बाहर निकालते हैं, उसमें स्पर्म डालते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं और इसके बाद उसको वापस से वाइफ के यूट्रस में रख देते हैं। इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि IUI या IVF में हस्बैंड के स्पर्म के अकॉर्डिंग हमें IUI पे जाना चाहिए या IVF पे जाना चाहिए। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि अगर आपकी वाइफ एकदम ठीक है, उनके एग जो हैं वो अच्छे अमाउंट में बन रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं और 20 mm तक यानी कि जो साइज हमें चाहिए बन रहे हैं और दोनों ट्यूब्स उसकी ओपन है, यानी कि जो वाइफ है उसमें कोई भी कमी नहीं है, पर जब हम उसके हस्बैंड का सीमन एनालिसिस कराते हैं तो हमें पता चलता है कि या तो उसके स्पर्म की संख्या कम है या उसकी मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है या मोटिलिटी कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीटमेंट एडवाइज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइफ तो एकदम ठीक है पर हस्बैंड के स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि मिलियंस में है, पर मोटिलिटी नहीं है, तो हम उसको अगर यूट्रस तक भी छोड़ेंगे तो उसको ट्यूब तक जाने में प्रॉब्लम होगी और फर्टिलाइजेशन हमारा फेल हो सकता है। तो इस केस में हम उस कपल को एडवाइज करते हैं कि वो डायरेक्ट IVF पे जाए। कई बार क्या होता है कि स्पर्म की नंबर ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं की संख्या ही कम होती है, क्वांटिटी ही कम है, तो भी हम उसको कहते हैं कि IUI ना करा के वो सीधा IVF पे ही जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि IUI और IVF में हमें कब जाना है। कई बार क्या होता है कि सब कुछ सही है, हस्बैंड के स्पर्म भी सही है और क्वालिटी भी सही है, मॉर्फोलॉजी भी सही है, इसके अलावा मोटिलिटी भी सही है और उसके एक या दो IUI फेल हो चुके हैं, तो हम 3 IUI के बाद कहते हैं कि वो IVF पे उसको स्विच ओवर करना चाहिए ताकि सक्सेस रेट मिल सके। क्योंकि जो IUI की सक्सेस रेट है वो 20-30% ही है और IVF में जो सक्सेस रेट है वो 70-80% है। तो स्पर्म के हिसाब से मैंने आपको जैसा कि बताया, अगर मोटिलिटी कम है तो आपको IVF पे जाना है, क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ स्पर्म कम है तब आपको IVF पे जाना है, इसके अलावा अगर आपके 2 या 3 IUI फेल हो चुके हैं तो आपको IVF पे जाना है। और IUI कब करानी है? IUI तब करानी है कि जब आपकी एक तो वाइफ एकदम ठीक है, स्पर्म की क्वांटिटी ठीक है, क्वालिटी ठीक है, इसके अलावा मोटिलिटी जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, वो ठीक है, तो आप 1-3 बार IUI ट्राई कर सकते हैं। इसके बारे में IUI से संबंधित या IVF से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद। प्राइम IVF को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि कोई अपडेट कभी ना छूटे।